where the past offers a roadmap to humanity's future. Welcome to Nagaland! Welcome to Hornbill Festival! Festival of Festivals! तो ये वीडियो में मैं आपको इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ वन ऑफ द इंडियाज बिगेस्ट फेस्टिवल हॉर्नबिल के बारे में। हॉर्नबिल जो है वो एक म्यूज़िक फेस्टिवल है एंड एक कल्चरल फेस्टिवल है जो हर साल नागालैंड में ऑर्गेनाइज होता है। इस साल ये दिसंबर 1st to 10th किसामा हेरिटेज विलेज इन नागालैंड में ऑर्गेनाइज हुआ था। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ मेरा क्या एक्सपीरियंस था। एंड अगर आप नेक्स्ट ईयर प्लान कर रहे हैं नागालैंड विजिट करने के लिए तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। एंड चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए जिससे आप कोई वीडियो मिस ना करें। पहला एंट्रेंस है जहाँ से अंदर गाड़ी जा सकती है, अंदर पार्किंग है, उसके अंदर दूसरा एंट्रेंस मेन एंट्रेंस है। अंदर पहुँचने से पहले मुझे मिले कुछ ट्राइब्स। ऑन द वे हूँ एंड यहाँ पे बहुत सारी ट्राइब्स हैं। ये जुलियन ट्राइब है जिन्होंने परफॉर्म किया है एंड दे आर गोइंग बैक। यू सी हाउ ब्यूटीफुल ऑल दीस पीपल आर। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं मेन ग्राउंड में। ये मेन ग्राउंड है जहाँ अंदर जाने वाले। I got the entry. Basically, ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये काफ़ी सारे एरेनाज में डिवाइडेड है। एक मेन ग्राउंड है जहाँ पे सारे फंक्शंस होते हैं, जहाँ पे मॉर्निंग का जो स्केड्यूल है उसमें जो ये परफॉर्मेंसेज होते हैं, ये जो नागास के द्वारा परफॉर्मेंसेज होते हैं, इवनिंग में बैंड्स परफॉर्म करते हैं। एंड यहाँ पे एक हेरिटेज विलेज जैसा भी बनाया हुआ है, जो कि पूरा हेरिटेज विलेज है। हेरिटेज विलेज में इनके मोरूम्स बने हैं जो नागा ट्राइब्स के हट होते हैं, आप वहाँ जाके इनसे मिल सकते हैं। अगर आपको और पूरा वीडियो देखना है अबाउट द ट्राइब्स तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड ऊपर आप क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको लेके चलती हूँ दूसरे अरेना में जो कि मेन ग्राउंड है जहाँ सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज। हर दिन का स्केड्यूल ऑफ दीज 10 days अलग होता है एंड फर्स्ट डे होता है ओपनिंग सेरेमनी एंड इनॉग्रेशन जो आपको जरूर देखना चाहिए। To cultivate, sow and harvest, where nature bids us to prepare for festivities. This is Nagaland, home to rainbows. So, Hornbill में आपका morning, afternoon and evening का schedule बहुत ही अलग रहता है। अगर आप मॉर्निंग में जाते हैं तो ये बैंड्स एंड ट्राइब्स आपको प्रैक्टिस करते हुए मिलेंगे एंड आप इनसे मिल भी सकते हैं। मैं इन ट्राइब्स से मिली एंड मैंने बहुत मस्ती की। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन एंड आप ऊपर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो दिस इज बिहाइंड द स्क्रीन। अभी सुबह सुबह है, यहाँ पे कोई भी नहीं है, पूरा ग्राउंड खाली है एंड यहाँ पे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। From 10 to 2:30 ट्राइबल डांसेस एंड ट्राइबल परफॉर्मेंसेज होते हैं जहां आप नागालैंड का कल्चर इंजॉय कर सकते हैं। आफ्टरनून में 2:30 to 5:30 आपको फ्री टाइम मिलता है जहां जाके आप यहां का फूड इंजॉय कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं एंड ऑल्सो आप इनके मोरूंग्स में जाके इनका कल्चर देख सकते हैं। अगर आपने शॉपिंग और मेरे ट्राइब से मिलने वाला वीडियो नहीं देखा है तो अगेन लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड ऊपर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। इवनिंग टाइम इज द बेस्ट वन फॉर द म्यूजिक लवर्स एंड जो म्यूजिक फेस्ट एंजॉय करने गए हैं। यहाँ काफ़ी फेमस बैंड आके परफॉर्मेंस दे रहे हैं एंड आप खूब मस्ती कर सकते हैं। Finally, the music is starting, the bands are starting to perform and shuru hone wala hai bas, we are waiting for it. Oh,
कैसा लगा आपको वीडियो बताइए कमेंट्स में, एंड पहली बार चैनल पे आए थे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए जिससे आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। बाय बाय।